Dear students, today we will read chapter 1, class 2, number up to 1000. आज हम कक्षा 2 का जो पहला अध्याय है 1000 तक की संख्याएं वो पढ़ने जा रहे हैं. So as you know, 99 is the largest two digit number. जैसा कि हमें पता है जो 99 है 99 है वो दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या है. इफ वी एड इन इट यदि हम इसमें एक एड कर दें सो वी गेट 100. तो हमें 100 प्राप्त होंगे यानी 100 प्राप्त होंगे. सो 100 इज द स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर और जो 100 है वो तीन अंक की सबसे छोटी संख्या होती है. एंड 99 इज द लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर and 100 is the largest, smallest three digit number. So smallest three digit number is 100 and 999 is the largest three digit number. 999 है वो तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है. तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999. If we add one in it, we get 1000. We get 1000. 999 में यदि हम एक एड कर दें जोड़ दें तो हमें 1000 प्राप्त होता है. और जो 1000 है वो जो है स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर और जो 1000 है वो चार अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है. तो आपको ये पता चल गया स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर इज 100 एंड लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर इज 900 नंबर. तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 100 और तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999. एंड नेक्स्ट थ्री डिजिट नंबर. तो हमने थ्री डिजिट नंबर के बारे में पढ़ा है यानी तीन अंक की संख्या है. सो वन कॉलम इज वंस. एक जो कॉलम है इकाई का होता है. सो वन वन टू वन थ्री वन फोर वन फाइव वन सिक्स वन सेवन वन एट वंस नाइन वंस एंड टेन वंस. तो वंस की जो है टेन हो गए तो टोटल हो गए ये टेन वंस. वंस के टेन कॉलम हो गए तो टेन वंस कहेंगे. तो टेन वंस में के वन टेन जो दस इकाई है. वंस का मतलब होता है इकाई और टेन का मतलब होता है ढाई. टेन का मतलब ढाई. तो जो दस इकाई है वो मिलकर एक टेंस बनाती है. एक टेंस का मतलब जो एक दहाई बनाती है. दस इकाई मिलकर एक दहाई बनाती है. एंड नेक्स्ट वन टेन जो एक है वन टेन इसमें देखिए दस कॉलम है. वंस के वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन. सो टेन वंस में से वन टेन. सो वन टेन टू टेन थ्री टेन फोर टेन फाइव टेन सिक्स टेन एट टेन नाइन टेन 8, 10, 9, 10, and 10, 10. So total 10, 10. So 10, 10 max at 100. 100. जो 10 दहाई मिलकर एक सैकड़ा बनाती है 100 बनाती है. 10 इकाई 10 दहाई मिलकर 100 बनाती है. तो हमें ये ध्यान रखना है कि 10 इकाई मिलकर एक दहाई बनाती है और 10 दहाई मिलकर एक सैकड़ा बनाती है. और कॉलम्स के बारे में भी ध्यान रखना है. तो एक सिंगल कॉलम आता है वो वंस का होता है इकाई का. और एक जो टेन वंस का जो कॉलम होता है वो वन टेंस का होता है. और टेन जो है टेन टेन मिलकर 100 यानी इसमें 100 जो कॉलम होते हैं वो मिलकर 100 का कॉलम है अरेंज करते हैं बनाते हैं. पॉइंट काउंटिंग इन 100 सो में गिनती. सो में गिनती तो काउंट एंड लर्न गिने और सीखे. अपने पेज नंबर बुक्स में पेज नंबर 5 पे है ये 1000 तक है 900 तक ये दिया हुआ है इसमें. सो वन कॉलम 100 हमें पता है एक जो कॉलम होता है वो बड़ा वाला कॉलम होता है वो 100 का होता है. हमने भी पढ़ा है कि 100 में जो होते हैं 10, 10 होते हैं यानी एक 100 में 10 दाई होती है. और 100 को सब अंकों में ऐसे लिखा जाता है 100. एंड टू कॉलम मीन्स
200, और दो बॉक्स, एक बॉक्स का मतलब 100 होता है, तो 100 100 200 हो गए, तो 100 100 200 200 मीन्स 20 टेन्स। हमें पता है 100 यानी 100 के अंदर अगर 10 दाई है तो 200 में 20 दाई होगी। एंड नेक्स्ट 100 200 and 300, तो 300 मीन्स 10, 100 में 10 टेंस, 200 में 20 टेंस एंड 300 में 30 टेंस। सो 300 के अंदर 10 दाई, ये सॉरी 30 दाई होती है। इसी तरह लाइक दिस 5 कॉलम मींस सॉरी 1 2 3 एंड 4 कॉलम मींस 400, 400 मींस 40 टेंस, 400 मींस 40 टेंस। And 5 column means 1, 2, 3 and 5 column. So 5 column means 500. 5 column means 500. 5 column means 500. So write 500. 500. 500 means 50 tens. 50 tens. Write in number 50 tens. 500 means 50 tens. 6 column means 600. 600, 600 means 60 tens. 60 tens, 600. And 7 box means 700 and 17 tens and 700. 8 box means 800 and 80 tens, 800. And next 9 box means 900 and 90 tens, write in number 900. Next, writing 3 digit numbers. Writing 3 digit number means 3 अंकों की संख्या लिखना। किस प्रकार लिखा जाएगा अपने सामने, जो ones, tens और 100 के columns अपने सामने रहेंगे उनको देखकर हमें 3 अंक की संख्या लिखनी है, वो किस प्रकार हम लिखेंगे। सो फर्स्ट 100 कॉलम, सो 1 कॉलम एंड बिहाइंड 1 कॉलम 1 एंड 1 2। इसमें देखिए आप जो 100 का जो कॉलम है वो एक तो आगे रेक इसके पीछे है, तो एक रेक दो हो गए, तो 100 में हो गए 200 कॉलम हो गए, सो 200 200। And next is 1 tens, 2 tens, 3 tens and 4 tens। जो दहाई का जो है वो कितने हैं, 4 हैं, 4 दहाइयां हैं, 1 दहाई, 2 दहाई, 3 दहाई और 4 दहाई, so 4 tens, right? 4 tens। And next is जो ones के हैं वो total count करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 ones. So, ones के हो गए 7 ones. According to Indian system of numerical, यानी भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार जो place value chart है अपनी, वो draw करते हैं हम सबसे पहले. Place value chart के according हमें पता है, 5 digit from right side recalls ones, 2nd digit from right side recalls tens and third digit from right side because 100। तो हमें पता है दाएं से पहला जो होता है ones का होता है, दूसरा tens का होता है, तीसरा 100 का होता है, इकाई ढाई और सैकड़े का अंक होता है उस प्रकार। तो हमें इसमें इसको राइट करना है, जो ones के आए हैं तो ones के टोटल आए 7, तो 7 इज ones एंड 4 tens, तो 4 कॉलम में tens में 4 और 100 में 2, 100 कॉलम 2। तो नंबर जो अपने बने हैं वो राइट करेंगे 247। अब देखिए आप इकाई के कॉलम में 7 लिखा है, दहाई के कॉलम में 4 लिखा है और सैकड़े के कॉलम में 2 लिखना है। इस प्रकार जो नंबर बने अपने वो बने 247, 247। इसी प्रकार यदि दूसरा भी अपने पास कोई आ जाए संख्या, मान लो एक और कॉलम इसके पीछे बनाए, हम एक कॉलम और इसके पीछे बन गया, और एक कॉलम इसमें हम ड्रॉ कर लेते हैं,
और इधर कम कर लेते हैं। तो अब नंबर्स हमें बनाने हैं, तो नंबर्स बनाएंगे तो इधर देखेंगे पहले 100 में, सो 100 के 1, 2 and 3, सो 300। तो हमें नंबर तीन कॉलम में 100 के 1, 2 and 3, तो 300। अब इसके अंदर आप देखिए जो टेंस के कॉलम हो गए 1, 2, 3, 4 and 5 हो गए, तो यहाँ 5 टेंस यानी ढाई के 10 हो गए, 5 हो गए। एंड वंस के 1, 2, 3 and 4 वंस, तो 4 के जो हुए वो वंस के जो होंगे वो 4 होंगे। तो इकाई में 4 आएंगे, ढाई में 5 आएंगे और सैकड़े में 3 कॉलम, तो सैकड़े के 3 कॉलम और ढाई के 5 कॉलम और वंस के 4 कॉलम। तो हमें भी यहाँ पे भी जो नंबर है वो राइट करना है, वंस के जो आएंगे 4, वंस के 4 एंड टेंस के 5 एंड 100 के 3 एंड नंबर 354। इस प्रकार हमें इन संख्याओं को लिखना है। इसी तरह कॉलम कम ज्यादा भी हो सकते हैं, तो कम ज्यादा करके भी हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट के लिए लिखें, जैसे कॉलम नेक्स्ट के लिए लिखते हैं हम नंबर, जो नंबर जो बनने वाले हैं तो कॉलम को देखकर जो 1, 10, 100 के उनको देखकर हमें बनाने हैं। सो अब इसमें देखिए जो अपने 100 के कॉलम हैं वो कितने हैं, 1, 2 and 3, तो 300 के। अब जो टेंस के कॉलम वो काउंट करने 1, 2, 3, तो टेंस के कॉलम में 3 एंड जो वंस के हैं वो हो गए 1, 2, 3, 4, 5 and 6, सो 6 वंस। तो नंबर जो हम बनेंगे तीन अंक की जो संख्या बनेगी वो राइट करेंगे, सो राइट 3 डिजिट नंबर, सो 1, 6, 10, 3 and 100, 3, सो नंबर 336। और इस प्रकार जो है वो संख्याएं हम बनाएंगे। तो कॉलम को अरेंज करके इसमें अच्छी तरह से तीन अंक की संख्या जो भी लिखनी हो तो 100, टेंस और वंस के कॉलम के अकॉर्डिंग जो प्लेस वैल्यू टेबल्स हैं पहले उसमें दर्शाएं हम, और फिर उसमें अच्छी तरह दर्शाने के बाद फिर हमें तीन अंक की संख्याओं को इस प्रकार राइट करना चाहिए, लिखना चाहिए। और भी आपके सामने ऐसे एग्जांपल आप खुद बनाकर उसको सोल्व कर सकते हैं। आगे के हम अपने अगले वीडियो में आगे के जो क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे।